Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Maa Sabuda School. Today in this video, I will continue subject OC of Standard 12. Chapter number 5, Staffing. Dear students, last time जो video shoot किया था, उस video के अंदर हमने discuss किया था internal sources of recruitment. आज हम discuss करने वाले external sources of recruitment. रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अंदर स्टाफ की अगर रिक्वायरमेंट है तो कंपनी इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस ये दोनों ही सोर्सेस यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस से भी स्टाफ की वैकेंसी जो है वो फुलफिल की जा सकती है। तो कैसे, तो जिसके टोटल 7 मेथड्स है, बाय एडवर्टाइजमेंट, by employment exchange, by educational institute, by trade union, by contractor and jobbers, and recruitment at the gate, and last one is a modern method. ये सारे के सारे method है जिससे आप recruitment कर सकते हो। तो देखते हैं detail में क्या दिया गया है। External sources through advertisement, it is an effective alternative for a recruitment application are invited through advertisement in a newspaper. Recruitment करना है तो company क्या करती है, newspaper के अंदर advertisement देती है और person को invite करती है कि चलो आप हमारी company में आके application करो। Business journals and periodicals for the specific post. Apart from his candidate can also apply online after the seeing advertisement on internet. Online भी apply कर सकते हैं advertisement, कुछ company ऐसी भी होती है online advertisement देती है, TV के अंदर भी advertisement देती है, website के अंदर भी advertisement देती है। तो अलग अलग place में से advertisement अलग अलग place में से application मंगवाती है own company। हर एक जगह पर advertisement करके वो right candidate को जो है वो select करती है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आती है, अपॉइंटमेंट करके वहां पर एड आती है, जिस जगह पर वैकेंसी है उस जगह की एड आती है। सेकंड वन इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड एंड इन अ सर्च फॉर जॉब। पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के, जो अनएम्प्लॉयड है उनका एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि जो जॉब के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द डिटेल्स, उनकी डिटेल्स अपने पास रखते हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारे के सारे नॉलेज अपने पास रखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिफाइड बट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट और वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि जो क्वालिफाइड है बट फिर भी अनएम्प्लॉयड है ऐसे कैंडिडेट के लिस्ट तैयार करते हैं। व्हेन आस्क्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज देन दे मे सिलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दिस लिस्ट, और जिस बिजनेस फॉर्म को स्टाफ की जरूरत है उसको ये लिस्ट दिया जाता है और उसमें से बिजनेस एंटरप्राइज बेस्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। थर्ड वन इज थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कई बार आप मास्टर डिग्री करते हो तो कॉलेज के अंदर भी प्लेसमेंट रखा जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो है जॉब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्लेसमेंट 100% ऐसा करके वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मेनी एंटरप्राइज मेक रिक्रूटमेंट बाय दिस मेथड इन अ मॉडर्न टाइम। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इस मेथड से रिक्रूटमेंट कर रही है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आर कॉन्टैक्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज पर्सनल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे लोग जो है अपने कैंपस के अंदर एक प्लेसमेंट लेकर आते हैं और कैंडिडेट को इंटरव्यू फेस कराते हैं और कंपनीज क्या करती है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके ले जाती है। The required person can recruit by obtaining a name of the head of the concerned institute by the campus interview. Campus के अंदर interview रखा जाता है और उसमें से best candidate को select किया जाता है।
और ऐसी फैसिलिटी जो है ईयर में जो है एक बार जो है प्रोवाइड की जाती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, जैसे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी है वो भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी अपने कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ऐसा कैंपस लगवाते हैं और प्लेसमेंट भी करते हैं। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में क्या होता है, ट्रेड यूनियन मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर एक ट्रेड यूनियन होता है, वो एम्प्लॉयज के लिस्ट तैयार करते हैं। सम टाइम व्हेन देयर इज अ लेस वर्क और ड्यू टू एनी अदर रीजन वर्कर आर रिट्रेस्ड, कुछ रीजन के कारण जो है वर्कर्स जो है रिट्रेस हो जाते हैं या कभी निकल जाते हैं, तो उसकी जगह पर जो यूनियन होता है वो यूनियन जो है वो नए वर्कर को लेकर आते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन वर्कर्स लोड व्हेनेवर नीड अराइज मोर एम्प्लॉयज सर्च अ रिट्रेस्ड वर्कर कैन बी रिक्रूट विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन। एक ग्रुप होता है ट्रेड यूनियन, वो कंपनी के अंदर ग्रुप जो है वो लेबर या वर्कर की जरूरत हो तो उसे प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑफन हैपन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज माइनिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी जगह पर देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट इज बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स। इन दिस सिस्टम अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ सप्लाई ऑफ वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि वो वर्कर को सप्लाई करे और उसमें से कुछ कमीशन वगैरह ले। कॉन्ट्रैक्टर टेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंजिंग द वर्कर्स लेबर्स। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास अपने वो खुद उठाते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर इज अ कंसर्न कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर, वो वेरियस टाइप्स के लेबर प्रोवाइड करेंगे इसी गारंटी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे दिया गया है दिस ऑफन हैपन विद द वर्कर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज माइनिंग इंडस्ट्रीज टी प्लांटेशन, ये सारी की सारी जगह पर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट एट द गेट। वर्कर्स कैन बी रिक्रूट बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज बाय अ प्लेसिंग नोटिस एट अ फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है कि फैक्ट्री के गेट के बाहर एक स्टिकर लगा दिया जाता है या तो फिर एक पेज जो है प्रिंट आउट करके लगा दिया जाता है कि वैकेंसी स्टाफ की इतनी वैकेंसी और इतना सैलरी मिलेगा, ये सब कुछ लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि डीमार्ट के अंदर जाओगे तो डीमार्ट के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है कि वैकेंसी स्टाफ की वैकेंसी कैशियर के लिए वैकेंसी इतनी एज 18 से लेकर 28 ईयर्स तक के पर्सन की कैंडिडेट की वैकेंसी, तो ऐसा पिक्चर या तो फिर पोस्टर बैनर कुछ भी कहो ये सब कुछ गेट के बाहर अपने कंपनी के लगवाते हैं। लास्ट वन इज मॉडर्न मेथड। ये मॉडर्न मेथड आज के टाइम में यूज होती है। इन मॉडर्न टाइम रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ इंटरनेट के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट किया जाता है। वेरियस एजेंसी रजिस्टर द बायोडाटा ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो खुद वेबसाइट बनाती है और रिज्यूम जो है वो खुद एम्प्लॉय से मंगवाती है। Whenever there is a vacancy and the agencies of the business unit can be this facility to get required candidate. Agency को या company को कई बार जरूरत होती है staff की, तो वो लोग जो है staff को ऐसे मंगवाते हैं और online test भी ली जाती है, result भी जो है दिया जाता है और इससे candidate को maximum benefit मिल सकता है। तो computer test, computer से और internet से ये लोग जो है recruitment करते हैं और skill based employees को appoint करते हैं। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ये थे टोटल 7 पॉइंट्स एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। ये मोस्ट आंसर्ड क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बाय ट्रेड यूनियन, बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स, रिक्रूटमेंट एट द गेट एंड मॉडर्न मेथड। ये स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।